हाय एवरीवन, वेलकम टू असिस्टेंट साइट। तो कल आपका एमटीएस 2021 का आंसर की आ चुका है, ठीक है। आई होप कि आप सभी का रॉ स्कोर अच्छा खासा है एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा एंड अपना आंसर की हमें askssinsight@gmail.com पर मेल करना है, ठीक है। ये हमारा ईमेल आईडी है askssinsight@gmail.com। आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे अपना आंसर की भेज सकते हैं। तो अभी मुद्दा ये है कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, दैट मीन्स टीयर टू जो हम बोलते हैं, और डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसके लिए आपको कैसे तैयारी करना है। तो पहले सवाल तो आपके मन में ये उठेगा कि मेरा स्कोर ये है तो क्या मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयारी करूँ। तो देखिए, अगर आपका एक एवरेज स्कोर है, एक अच्छा खासा स्कोर है, तो आप अपना डिस्क्रिप्टिव की तैयारी शुरू करना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या करते हैं मोस्टली एस्पिरेंट्स, जो गलती करते हैं वो ये होता है कि आपका आंसर की आता है, आप दुविधा में रहते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये करते करते आपका आ जाएगा टीयर टू का डेट, ठीक है। टीयर टू से कुछ पहले आपका टीयर वन का रिजल्ट आउट होगा। मतलब ये जो आपका आंसर क्या आया है, ये आंसर की का फाइनल जो आपका रिजल्ट है, जिसमें आप देख सकते हो कि सिलेक्शन आपका टीयर वन के लिस्ट में नाम है कि नहीं, स्टेट वाइज जो कट ऑफ आएगा उसमें वो रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट आने के लगभग 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपका ये डिस्क्रिप्टिव का पेपर इन जनरल रहता है, ठीक है। इन जनरल ऐसा टाइमिंग ही रहता है। तो आप समझ सकते हो कि एक बार रिजल्ट आउट होने के बाद डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करने के लिए एकदम टाइम नहीं रहता है, बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। वही एक गलती होता है एस्पिरेंट को, वो समझ नहीं पाते हैं आंसर के आने के बाद, वो समझते हैं कि करूँ या ना करूँ। ये करते करते उनको टाइम हो जाता है, टीयर वन का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद टीयर टू का डेट भी डिक्लेयर हो जाता है, आपका टाइम नहीं रहता है डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका एक एवरेज नंबर है, अच्छा खासा नंबर है, तो आप डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। और आप ये सोचें ना, अगर आपका इस बार नहीं हुआ तो आपका कभी ना कभी तो होगा। मतलब आप तो इस बार अगर नहीं होगा तो आप तो प्रिपरेशन ही छोड़ दोगे, एग्जाम देना ही छोड़ दोगे, ऐसा तो नहीं है। आप तो एसएससी का एग्जाम ही देते जाओगे। तो एसएससी का जो भी एग्जाम है, मोस्टली सभी एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव का पेपर रहता ही है, तो डिस्क्रिप्टिव का पेपर आपको वैसे भी देना है। तो इसलिए आप प्रिपरेशन तो लेना स्टार्ट करिए। दुविधा में रहने से अच्छा है आप प्रिपरेशन लेना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा बहुत अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। अब मुद्दा ये है कि डिस्क्रिप्टिव का कैसे आपको तैयारी करना चाहिए। तो पहले मैं आपको एक झलक दिखा देती हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस कैसा आता है। तो देखिए, एमटीएस में बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आता है, मतलब ऐसा बहुत हार्ड टॉपिक कुछ नहीं आता है। इन जनरल टॉपिक जैसा आता है वही, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश में, ये एमटीएस 2019 का पेपर है, ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे हिंदी में दिया है, हिंदी में ये आया था, आपका इंग्लिश में ऐसा आया था। एयर पोल्यूशन, मतलब सेम ही है, एयर पोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, स्वच्छ भारत अभियान, इंक्रीज स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फैमिली। तब देख सकते हो जो भी यहाँ पे टॉपिक्स है, ठीक है, जो भी टॉपिक्स है बहुत जनरल टाइप का टॉपिक है, ठीक है। मतलब आपका एक जनरल नॉलेज होना चाहिए, एक सोच, आपके सोच के बारे में जानना चाहते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये ऐसे का टॉपिक था, और ये रहा आपका लेटर का टॉपिक। लेटर का टॉपिक ही बहुत सिंपल सा आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना है वो मैं बाद में आती हूँ, अभी इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये ऐसे लेटर के लिए कौन सा आता है। बट मुद्दा अभी ये है कि ये एमटीएस 2019 का क्वेश्चंस था, बट अभी आप देने जा रहे हो एमटीएस 2021। तो एमटीएस 2021 में जो इसका पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले क्या था, ये एमटीएस 1920 है, इसमें क्या था कि ऐसे 5 एसेस देते थे एंड 5 आपका लेटर्स देते थे, ठीक है। अब ये 5 5 मतलब 5 + 5 टोटल 10 में से आपको सिर्फ एक करना पड़ता था, ओनली वन, आपको ये पूरा 10 ऑप्शन में से सिर्फ एक करना पड़ता था, ठीक है। कोई भी एक लेटर कर सकते थे, कोई भी एक ऐसे कर सकते थे, बट अभी ये सीन नहीं है। अभी आपके एमटीएस 2021 में क्या है, आपका एक हवलदार भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ गया, देखिए, इस वजह से आपका ये आपका एमटीएस 2021 की नोटिफिकेशन से मैंने लिया है। तो नोटिफिकेशन में यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा, मतलब एक शॉर्ट एसे एंड उसके साथ एक लेटर आपको लिखना है, ठीक है। मतलब 25 25 टोटल 50 मार्क्स ही रहेगा। पहले भी 50 मार्क्स ही रहता था, इसमें भी 50 मार्क्स ही रहता था, आउट ऑफ 50 कैलकुलेशन होता था। और एक बात क्या है कि इसका नंबर ऐड नहीं होता है, ओके, ऐड नहीं होता है आपके फाइनल मार्क्स के साथ, ऐड नहीं होता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। आपको क्वालिफाई करना होगा सिर्फ, ओके।
तो अब ये मार्क्स 50 रहेगा, बट आपको दोनों लिखना पड़ेगा। पहले क्या होता था, वो 30 मिनट्स का एग्जाम होता था, अभी ये 45 हो गया है, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों लिखना पड़ रहा है। मार्क्स सेम ही है बट लिखना तो आपको दोनों पड़ रहा है ना। आपको एक शॉर्ट एसे एंड लेटर, कोई भी और नहीं है यहाँ पे, एंड है, ठीक है। तो शॉर्ट एसे एंड लेटर आपको दोनों ही लिखना है, टाइम रहेगा 45 मिनट्स, मार्क्स रहेगा 50। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, एंड यहाँ पे क्या लिखा है कि आप ये हिंदी, इंग्लिश एंड एनी लैंग्वेजेस विच आर मेंशनड इन शेड्यूल 8 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेज मेंशनड है, एंड उसके साथ साथ इंग्लिश, दैट मीन्स टोटल अब 23, ऑल टोटल 23 लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। ये 23 में से किसी भी एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये एनेक्चर 15 में दिया गया है, एनेक्चर 15 यहाँ पर है, मैंने ये भी आपके लिए दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, कोई भी रीजनल लैंग्वेज आप लिख सकते, जो भी रीजन से आप हो वो भी रीजनल लैंग्वेज से आप लिख सकते हो। ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है MTS में, ठीक है, क्योंकि MTS में थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेज के ऊपर देखा जाता है, तो दैट्स वाई। एनी वे, तो आपको 22 लैंग्वेज जिसमें से ये सभी है आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या है, उसके साथ साथ इंग्लिश, ठीक है। अभी आप लोगों को ऐसा, मैं ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के बारे में बताऊँगी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि क्या मैं इंग्लिश में लिखूँ क्योंकि हिंदी में लिखने से नंबर कम आता है। तो देखिए, पैसे तो यहाँ पर नंबर की बात नहीं है क्योंकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ओके, तो नंबर उतना इशू नहीं है। बट आपको क्या करना चाहिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जिसमें लैंग्वेज में आप अपना जो भावनाएं है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते, आप उसी लैंग्वेज में लिखिए, ठीक है। देखिए, ये ना मैन टू मैन वेरी करता है कि आपकी जो कॉपी है वो किसके पास जाएगा, कोई नहीं जानता है। तो इसलिए नंबर्स आपको छोड़ ही देना है, मतलब नंबर्स आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, अपना जो एक्सप्रेशंस, अपना जो भावना है वो अच्छे से एक्सप्रेस करना आपके हाथ में है। तो उसके लिए आप जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, आप वही लैंग्वेज में लिखिए। ये उतना टफ एग्जाम नहीं होता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है, ओके। तो अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि आप कहाँ से ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए, आपको एसे लेटर एंड जो भी मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह दिखाए, उससे आपको ये तो समझ में आ गया कि बहुत जनरल टाइप का चीज़ें पूछता है SSC में, ठीक है, स्पेशली MTS। तो आपको एक जनरल नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा। जनरल नॉलेज डेवलप करने के लिए पहले तो मैं ये दो बुक आपको रेफर करूँगी, क्योंकि लेटर राइटिंग का जो भी आपका मतलब फॉर्मेट वगैरह जो भी है, लेटर राइटिंग का जो भी आपका फॉर्मेट वगैरह है वो तो आपको सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। तो इसके लिए ये एक ही बुक है, SC गुप्ता, आर्यन पब्लिकेशन के SC गुप्ता का बुक, सभी यही बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट्स वगैरह है वो सब सीखने के लिए आपको ये काम में आएगा, क्योंकि फॉर्मेट तो आपको सीखना पड़ेगा, लिखना अलग बात है बट फॉर्मेट जो है वो तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड और एक जो है ये ऐसे का है, आपको लेटर ऐसे दोनों ही लिखना पड़ेगा, ओके, शॉर्ट ऐसे, ओके, एक शॉर्ट ऐसे एंड उसके साथ लेटर, दोनों ही आपको लिखना पड़ेगा। तो लेटर के लिए तो आप एकदम ये बुक ले ही सकते हो आंख बंद करके, बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस किया गया है। एंड ऐसे के लिए देखिए, ये बुक थोड़ा सा टफ हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू MTS, ठीक है, बट इनिशियली आप ये ले सकते हैं। मैं बाद में आपको बुक्स के ऊपर एक वीडियो बना दूँ क्योंकि MTS के लिए आप कौन सा बुक देख सकते हैं। ये बहुत कॉमन बुक है, आर्यन पब्लिकेशन का 151 ऐसे बहुत ही कॉमन बुक्स है, तो ये सभी पढ़ते हैं। तो आप इनिशियली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, बट बाद में मैं एक बुक्स के ऊपर वीडियो बना दूंगी आपको डिटेल में कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। और एक बात क्या है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये तो मैंने बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया कि ये दो बुक्स आप कर सकते हो, और आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आप क्या करोगे, जनरल टॉपिक के बारे में आपको सोचना है, जैसे कि आप यहाँ से पढ़ लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ऐसे आपको खुद से लिखना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। आप थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया, उसके बाद आप खुद से लिखना थोड़ा सा कोशिश करना, जैसे कि आपके जो एरिया है उसमें मच्छर की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, कैसे लिखना है उसका एक ट्राई करना खुद से, ऐसा छोटा मोटा डेंगू हुआ है आपके कहीं एरिया में, किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसके बारे में मतलब खुद से ट्राई करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जनरली हम लिखते नहीं है, हमारा जो लिखने का एक प्रैक्टिस होता है वो हमारा स्कूल लेवल में ही खत्म हो जाता है। स्कूल लेवल में हम वो करते थे जब हमारा राइटिंग वगैरह आता था, उसके बाद हम लिखते नहीं है इन जनरल। जिसका लिखने का शौक है वो तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए आपका जो लिखने का जो हैबिट है ना, राइटिंग के लिए जो हैबिट है वो पहले आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए आप थोड़ा बहुत बुक्स पढ़ेंगे, ये सब बुक्स पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ ऐसे टॉपिक अपने मन से सोच के ही आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा कि हाँ, अगर ये इशू है तो मुझे ये इसके बारे में लेटर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आया था हॉस्टल डेज के बारे में, ठीक है, ये आपको
लेटर में, ठीक है, यहाँ पे देखिए आया था, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर न्यू हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस, ये मैंने लिखा था एक्चुअली, ठीक है। तो ये आरटीआई कॉपी है मेरे पास, मतलब मेरा जो कॉपी था उसका आरटीआई करके मैंने मंगवाया था, तो इसका आरटीआई कॉपी भी आप देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे करके छोटा मोटा ऐसे टॉपिक की, जैसे कि आपने कहीं पे, आप कहीं पे घूमने गए थे, ठीक है, आप कहीं पे अपने मौसी के घर घूमने गए थे या कहीं और पे आप टूर पे गए थे पेरेंट्स के साथ, तो उसका कोई भी एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो दोस्त के साथ, ऐसे करके आप लोग खुद से सोच के ना आपको लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना है ये एक्चुअली मैं बोल रही हूँ, आपके हैबिट बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपके राइटिंग हैबिट एंड अपने सोचने की क्षमता। अब जितना लिखने की कोशिश करोगे उतना अपने दिमाग पर आपका जोर आएगा, आप सोचने का जो क्षमता है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, आपका वो पावर इंक्रीज होगा, तो इसलिए वो आपको करना है, ठीक है। एंड ऐसे भी आपको बहुत जनरल टॉपिक के ऊपर देखना है, जैसे कि आया था एयर पॉल्यूशन, ठीक है। अभी आपको मैं एक स्पेशल ऐप के बारे में बताऊंगी, मेरे 5 एप्स के ऊपर एक वीडियो है, वो आप आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने एक ऐप के बारे में शेयर किया था। मैं और एक बार आपको दिखा देती हूँ, एक ऐप है जिसका नाम है नैपीली, ठीक है। ये ऐप से आप कैसे देख सकते हो, ये ऐप को कैसे अपने नॉलेज के लिए आप यूज़ कर सकते हो, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये है नैपीली ऐप, ठीक है। यहाँ पे देखिए एकदम ऊपर कॉर्नर पर जो सर्च बटन दिख रहा है, वहाँ पर सर्च करने से आप कोई भी टॉपिक सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले देखिए लेफ्ट में आपको जो एक ग्रिड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सभी ऐसे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। ओके, तो मैं ऑल नेप्स पे क्लिक करती हूँ, तो ये करंट जो भी चल रहा है उसके ऊपर है। ओके, जैसे कि ऐसे आप स्वाइप अप करने से आपको ऐसे टॉपिक्स मिलता जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, वो मिलता जाएगा ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे कि ये देखिए, ये एक टॉपिक है, जुलाई 26, 2005, मुंबई इज़ सुपर फ्लडेड। ओके, तो अभी आपको ये टॉपिक के बारे में जानना है, तो कैसे करेंगे आप, ये देखिए ये जो बुक मार्क बटन है एकदम पिक्चर के नीचे, वो वहाँ से आप बुक मार्क कर सकते हैं। अगर आप राइट स्वाइप करेंगे, राइट स्वाइप करने से देखिए ऊपर क्या दिख रहा है आपको, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, मतलब एक टॉपिक के बारे में सभी जो क्वेश्चंस अराइज होता है उसको कैसे आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में अच्छे से दिया गया है, ठीक है। जैसे कि व्हाट में क्लिक है तो ये व्हाट आप देख सकते हैं। ओके, अभी आप स्वाइप राइट करें तो व्हाई, ओके, स्वाइप राइट करें तो व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ऐसे करके कोई भी टॉपिक के ऊपर आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 जो डॉट है यहाँ पे क्लिक करने से आप बुकमार्क भी कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं। टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन जो बहुत बढ़िया है, मतलब ये टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन क्लिक करने से ये जो जो भी लिखा है वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कंटिन्यू होगा। ओके, चलिए बैक करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए एक चाय का जो बटन है ना, यहाँ पे चाय का बटन में क्लिक करने से जो ग्लोब दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्लोब में आप क्लिक करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहेगा आपके लिए, मतलब आप हिंदी में भी पूरा ये ऐप पढ़ सकते हो, ये मैंने इंग्लिश पे है, आप हिंदी क्लिक करेंगे तो आपको ये सब हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप ये ऐप को बहुत फ्रूटफुली यूज़ कर सकते हैं, मैंने मेरे प्रिपरेशन टाइम में यूज़ किया था, ये बहुत इफेक्टिव है। कोई भी टॉपिक के ऊपर आप सर्च करके आप देख सकते हो एंड उस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल्स जान सकते हो। गूगल में भी ये ऑप्शन है, बट गूगल में अलग अलग साइट से आपको, वेबसाइट से अलग अलग से आर्टिकल आता रहेगा, बट ये एकदम एक ऑर्गेनाइज तरीके से है, यहाँ पे कोई भी चीज़ के बारे में एकदम शॉर्ट ठीक ठाक तरीके से आपको दिया गया है, जिससे कि आपको एक कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में एक पूरी नॉलेज आपको यहाँ से अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो ऐसे आप नैपीली जो ऐप मैंने दिखाया वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा एंड 5 ऐप्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। 5 ऐप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप्स है, आपके जो भी पढ़ाई कर रहे हैं स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने बनाया तो आप देख सकते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल लेट मत करना, अगर आप आने वाले CGL के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके साथ थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़ना भी शुरू कर दीजिए, वो आपको हर तरीके से मदद करेगा, आपको आगे आने वाले CGL के लिए भी मदद करेगा, अदर्स एग्जाम के लिए भी मदद करेगा, ठीक है। एक लिमिटेड टाइम बना लीजिए, थोड़ा बहुत कंटिन्यू करते रहिए, वो आपको हो जाएगा। MTS में बहुत ज़्यादा प्रेशर लड़ने वाली कुछ नहीं होता है राइटिंग में। ओके, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कैसा रहा है एंड हमें आपका जो आंसर की है वो askinsight@gmail.com ये gmail ID में आपको भेजना है। पढ़ाई करते रहिए, CGL के लिए मैंने इंग्लिश एंड मैथ स्ट्रेटेजी का वीडियो भी दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल, थैंक यू।